पूजू मीन्स अ वॉर्म, मतलब एक कीड़ा. एंड वॉट अ वॉर्म और अ कीड़ा कैन डू, नथिंग. इट्स जस्ट इग्नोर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म विच हार्डली मैटर्स टू एनी वन अक्रॉस द सोसाइटी. बट वाई आर वी टॉकिंग अबाउट कीड़ा? इट्स बिकॉज वंस अगेन our Malayalis have striked hard with their writing skills. Very intelligently, with reference of Keeda, writers have tried to showcase the existence of casteism in the society. मतलब फिर एक बार बॉल स्टेडियम के बाहर. ये फिल्म जजमेंटल बिल्कुल भी नहीं लगती और यही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मूवी का. दिस मूवी doesn't try hard to preach us about the caste system, but slowly and silently let our mind do what it's meant for. Yeah, you guessed it right. Thinking and thinking that the wrong one is really wrong by heart, and even create some moment जो आपको एक negative regressive इंसान से भी हमदर्दी होने लग जाती है. ममूटी, wow wow wow, ऐसी simple acting of a complex character who speaks less from mouth but his action and manners speaks volume. भैया गजब ढाता है ये आदमी अपने छोटे छोटे facial expression से. ये वो सब कह जाता है जो कई बार वर्ड्स भी नहीं कह पाते. द फिल्म इज अ स्लो पेस एंड फोकस अपॉन द मल्टी लेयर्ड सोसाइटी एंड कैरेक्टर्स. इस मूवी में सोशली रेलिवेंट इश्यूज को दर्शाया गया है, जैसे कि कास्टिज्म, डिस्टर्ब पेरेंटिंग, साइकोलॉजिकल इश्यूज और रिग्रेसिव थॉट प्रोसेस, जो कि सोसाइटी के लिए विनाश है. बट वेन यू सी सम सीन्स ऑफ कुट्टन यानी ममूटी और उसके बेटे किच्चू के बीच में, कई बार तो आपको ऐसा लगेगा कि आप इस कैरेक्टर को थप्पड़ मार दें और कई बार आपको उसी कैरेक्टर से एम्पैथी रखोगे. ये मूवी दर्शकों के दिमाग से खेलती है और दिमाग को अपना वर्जन और अपनी सोच के हिसाब से अपना साइड लेने का मौका देती है. एक्टिंग डिपार्टमेंट में सब A1 परफॉर्मेंस है, खासकर ममूटी, पार्वती, कुट्टप्पन और बेटा किच्चू के रोल में जो भी है. कुट्टन यानी ममूटी की अपने आप से कश्मकश आपको झंझोर देगी. इस मूवी का कुछ लोग टोटली रूल आउट भी कर सकते हैं. वो ऐसा करके अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि इफ अ मूवी सक्सीड्स इन एक्सप्लोरिंग अ रेलेवेंट सोशल इश्यू देन इट्स द नीड ऑफ करंट टाइम्स. 2 घंटे की ये मूवी ऑल एंड ऑल बिलोंग्स टू ममूटी एंड एज यूजुअल ही हैज नॉट डिसअपॉइंटेड एट ऑल. किडोज टू द डायरेक्टर रतीना, जिसकी ये डेब्यू मूवी है और फर्स्ट बॉल पे ही बाउंड्री स्कोर करी है. अरे हाँ, एक बात तो बताना ही भूल गया, मैथोलॉजिकल प्ले है इस मूवी में, उसका बहुत ही रेलेवेंस है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेलेवेंस है, तो थोड़ा ध्यान से देखना. ओवरऑल एन इंटरेस्टिंग मूवी अगेन फ्रॉम द स्टेट ऑफ कंटेंट. कीप डूइंग ग्रेट जॉब भाइयों. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन योर व्यू अबाउट द इश्यूज शोन इन द मूवी. मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.